सो व्हाट्स अप एवरीवन, कैसे रहे हो? सारे के सारे बढ़िया होंगे, नहीं होंगे तो हम बना देंगे तुम्हें बढ़िया। सो भाई, आ चुके हम लोग फाइनली वापस, और हम लोग पाकिस्तान पे भी लेके आए रिएक्शन, क्योंकि लिए मैंने बोला था कि आज हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज पे रिएक्ट करेंगे। सो यस, फाइनली आ चुके हैं, और ये टॉप 5 प्लेसेज है। हमने पिछले राउंड सेट टॉप 10 थी, पर उसने दिखाई 9 नहीं, बट ये वाली 5 है एंड मोस्ट वॉन्टेड है। बड़ा वीडियो है, चालू करते बिना किसी देर के, लेट्स गो। मैजिक फिल्म स्टूडियोज फॉर 3 न्यू वीडियोज एवरी वीक। क्लिक ऑन द बेल आइकन एंड नेवर हाँ, मिस। और अगर तुम अभी वीडियो देख रहे हो एंड अगर तुम्हें वीडियो पसंद आएगा, तो पहले ही मैं तो बोलता हूँ तुम्हें वीडियो पसंद नहीं आएगा, तो तुम लोग टारगेट है इस वीडियो पे अराउंड 60 लाइक्स का। तुम 60 लाइक्स करा दो, हम लोग पार्ट 2 भी लेके आने वाले, क्योंकि हमारा बहुत अभी मन हो गया है कि भाई हॉरर चीज़ों पर रिएक्ट करें, मम्मी को भी मज़ा आ रहा है। मैं बोला चलो करते हैं, यू नो, तो टारगेट पूरा करा देना याद से, इट्स अ वीडियो फ्रॉम ब्लैक मैजिक फिल्म लेट्स गो। स्टूडियोज। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे पाकिस्तान की 5 सबसे भूतहा जगहों के बारे में। शिरीन सिनेमा। शिरीन सिनेमा, जहां सिनेमा फिल्मों की स्क्रीनिंग होती थी, यह थिएटर अब बंद हो चुका है, पर रात के वक्त इस सिनेमा घर से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं, जैसे कि कोई फिल्म चल रही हो और दर्शक तालियां बजा रहे हो। सिर्फ इतना ही नहीं, रात के अंधेरे में यहाँ कई परछाइयाँ मंडराती हैं। कई लोगों ने इन परछाइयों को बातें करते हुए और गाने गाते हुए सुना है। पानी और बिजली की सप्लाई पूरी तरह से बंद होने के बावजूद कई लोगों ने बाथरूम के नल से पानी टपकते हुए सुना है, और थिएटर में कई जगह किसी सप्लाई बंद हो गया था, पानी का पानी और सप्लाई। बिजली ना। अच्छा, मैं वही सोचो, नहीं तो कुछ सप्लाई अप्लाई करके लोग देख नल नहीं रहे ना से असली मूवी। पानी टपकते हुए सुना है, और थिएटर में कई जगह लाइट्स भी जलती हुई देखी साउंड हैं। इफेक्ट क्या दे ऐसा रहे कहा जाता है कि इस सिनेमा घर में जो काम करते थे उनकी आत्माएं आज भी खंडहर बन चुके इस सिनेमा घर में मंडराती हैं। दाल मिया रोड। ऐसा कहा जाता है कि इस रास्ते से ये खुद की आवाज कोई ब्लेंड कर रहा है, बता। यहाँ पे देखना, यहाँ पे एकदम दौल में और रोड, फिर इसकी आवाज एकदम पतली हो जाती, देखना। आती हैं दालमिया रोड। ऐसा कहा जाता है कि इस रास्ते से गुजरने वाले लोगों को रात के वक्त अक्सर एक औरत दिखाई देती है जिसने दुल्हन का लिबास पहना होता है। जिन लोगों का इस औरत के साथ पाला पड़ा है उनके मुताबिक ये औरत रास्ते के बीचों बीच खड़ी रहती है और आने जाने वाले लोगों से मदद मांगती है, ऐसा और तो जो कौन मदद भी देने वाला है? उसकी मदद करने रुक जाता है वो देखता है कि शुरुआत में अच्छी दिख रही उस औरत का चेहरा अचानक से बदलने लगता है, और वो अचानक से किसी बदसूरत और बेजान लाश की तरह दिखने लगती है। तुम मेरे को इतना ही बताना नहीं, नीचे कमेंट्स में, कभी कभी यू नो कुछ भी पब्लिक बना के स्टोरी डाल देती है और फिर ये वीडियोस वाले कवर अप भी कर लेते हैं, तो मुझे बताना कितना सच है कितना झूठ है पाकिस्तान से, अगर तुम लोग मेरे को देख रहे हो तो, यू नो, लेट्स गो। कई लोगों ने तो उसके मुंह से कई कीड़ों को बाहर रेंगते हुए देखा है, इसीलिए आज भी कई लोग इस रास्ते से गुजरने से खौफ खाते हैं। चौखंडी का कब्रिस्तान। कराची में स्थित इस कब्रिस्तान में रात के वक्त जाने से कई लोग कतराते हैं। ऐसा माना जाता है कि अंधेरा होते ही यहाँ सिर्फ आत्माओं का राज चलता है, और रात के वक्त इस कब्रिस्तान के पास से गुजरने वाले लोगों को कई विचित्र आवाजें और कई परछाइयां दिखाई देती हैं। चौखंडी का यह कब्रिस्तान 600 साल से भी ज्यादा पुराना है, और हजारों लोगों की कब्रें यहाँ आज भी मौजूद हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, कई लोग ऐसा भी मानते हैं। भाई ठीक है, ये हॉरर स्टोरी बता रहे, पर इसकी आवाज सुन के मेरे को बहुत हंसी आ रही, सही में मस्ती 20 साल बाद वाली जो कि देर रात यहाँ काला जादू करने वाले कई गुट आते हैं और शैतान को खुश करने के लिए। ऐसा लग रहा है ये पान बनाने वाला बंदा है, मस्ती नहीं कर रहा ऐसी मस्ती टाइम पास, तो ये पान बनाने वाला बंदा है, ये स्लो बोल रहा है कि भाई एक कत्था उसमें गुलकंद डाल दीजिए ऐसे करके। जानवरों की बलि चढ़ाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि रात के वक्त अगर आप कब्रिस्तान के बाहर से कोई पत्थर अंदर की तरफ फेंकते हैं तो एक जोरों से चिल्लाने वाली आत्मा आपको दिखाई दे सकती है। काला बाग डैम। काला बाग नदी पे बने इस ओके, डैम को भूतहा माना जाता है। सीरियस ऐसा माना जाता है कि रात के वक्त इस डैम के पास एक औरत मंडराती है। आकार में बड़ी और कद में छोटी इस औरत के बाल बहुत लंबे होते हैं, पर यह कोई सामान्य औरत नहीं बल्कि एक चुड़ैल है, और अगर आप इस औरत को ज्यादा देर घूरते हैं तो ये आप पे हमला कर सकती है। कोहे चिल्तान की पहाड़ियाँ।
कोहे चिल्तान को पाकिस्तान की सबसे भूतहा जगह माना जाता है, पर इस जगह के भूतहा होने के पीछे एक कहानी है। कहानी के मुताबिक एक शादीशुदा जोड़ा था जिसे बच्चों की ख्वाहिश थी, पर बहुत साल गुजर जाने के बावजूद उन्हें कोई बच्चा नहीं हुआ। और आखिरकार वो एक तपस्वी को मिलके अपना मसला बताते हैं, पर वो तपस्वी कहता है कि संतान प्राप्ति यह कुदरती निर्माण है और इसमें वो उनकी कोई मदद नहीं कर सकता। नहीं, ये बंदा पता है कैसा लग रहा है? ये बंदा ऐसा लग रहा है वो नहीं अपने हिंदी टीचर जाते थे, कल सब बच्चे दो कदम खत खत लिख के आएंगे, उसके अंदर दो वाक्य लिखेंगे, उसके बारे में लड़की की बातें करेंगे। अच्छा नहीं हुआ। और आखिरकार वो एक तपस्वी को मिलके अपना मसला बताते हैं, पर वो तपस्वी कहता है कि संतान प्राप्ति यह कुदरती निर्माण है और इसमें वो उनकी कोई मदद नहीं कर सकता। निराश होकर घर लौट रहे उस जोड़े को तपस्वी का लड़का रोक लेता है और उस शादीशुदा जोड़े से कहता है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। फिर वो उस औरत को कुछ पत्थर जमा करने के लिए कहता है और वो औरत 40 छोटे पत्थर उठा लाती है। फिर वो लड़का जादुई ढंग से उन 40 पत्थरों को 40 छोटे बच्चों में परिवर्तित कर देता है। उन छोटे बच्चों को देख दोनों पति पत्नी बहुत खुश हो जाते हैं और बच्चों को लेकर घर लौट जाते हैं। पर घर पहुंचने के बाद उन्हें अपनी गरीबी का एहसास होता है। वो लोग ये समझ जाते हैं कि 40 बच्चों को वो पाल पोस के बड़ा नहीं कर सकते। फिर कुछ दिनों बाद वो दोनों पति पत्नी अपने 40 बच्चों में से 39 बच्चों को एक पहाड़ी जंगल में छोड़ देते हैं और सिर्फ सबसे छोटे तो बच्चे को नहीं होते, उनको 40 बच्चे दे दिए ऐसे ही फ्री में। ऐसा भाई तुम तो मचा रहे हो यार, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये लोग हैं। और सिर्फ सबसे छोटे बच्चे को लेके अपने घर लौट जाते हैं और कुछ साल ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर एक दिन अचानक से उस औरत को अपने बाकी बच्चों की याद आने लगती है और इसीलिए एक रात वो अपने पति को बिना बताए अपने इकलौते बच्चे को साथ लेके उस पहाड़ी जंगल में चली जाती है। पर उस पहाड़ी जंगल में जाने के बाद वो जो देखती है उसे देख के पूरी तरह से दंग रह जाती है। उसे जंगल में छोड़े गए सभी बच्चे जिंदा नजर आते हैं जो उस जंगल में खेल रहे होते हैं, और ये देख वो बहुत खुश हो जाती है और अपने साथ में लाए बच्चे को भी उसके भाई बहनों के बीच खेलने छोड़ देती है। और ये खुशी की खबर अपने पति को बताने के लिए दौड़ी दौड़ी घर पहुंचती है। और जब दूसरे दिन वो दोनों उस पहाड़ी जंगल में पहुंचते हैं तो उन्हें वहां कोई भी नजर नहीं आता। दोनों मिलकर बहुत कोशिश कर, ये तो कितनी अजीब स्टोरी है, मतलब छोटे बच्चे हैं, उनसे पूछा मैंने तुम किसके साथ रह रहे हो, अपने बच्चे को उसके साथ छोड़ दिया और अगले दिन सीधा रिटर्न आई, मतलब कैसी स्टोरी हो गई है। तो ते हैं पर उन्हें कोई इस रियल भाई कमेंट्स में मुझे बता के जाना, ठीक है? ऐसे सस्पेंस में मत छोड़ के जाना, मैं खेलने नहीं जा पाऊंगा आज के बाद, क्लासेस बंद कर दूंगा मैं अपनी। जा नहीं मिल पाता, ऐसा कहां जाता है कि वो 40 बच्चे उस जंगल में मर चुके हैं। इन 40 बच्चों की आत्माएं रात के वक्त इस पहाड़ी पे भटकती हैं और रोते चीखते हुए इन बच्चों की आवाजें दूर दूर तक सुनाई दे सकती हैं, और इसीलिए 3000 मीटर से भी ज्यादा ऊंची इस पहाड़ी का नाम कोहे चिल्तान रखा गया है, जिसका मतलब है 40 बच्चों की आत्माएं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पे इसे जरूर शेयर करें। नहीं भाई, हमें मार नहीं खानी मेरे भाई, हमने देख लिया, बहुत अच्छा वीडियो बनाया, थोड़ा रोस्ट हो गया आपका, बट बहुत बढ़िया काम कर रहे यार, करते रहो। कौन है भाई? ब्लैक मैजिक फिल्म स्टूडियो, शॉर्ट आउट ब्रदर। और ये लास्ट में जो ने बोला ना भाई लाइक शेयर करके जाना, वो मेरे वीडियो पे भी लागू होता है, बिना लाइक शेयर किए बिना बिल्कुल मत जाना, ठीक है ना? तो कर दो। एंड अगर तुम्हें ऐसा सेकंड पार्ट चाहिए तो, और अगर तुम्हारे कोई लाइक ऐसे रियल स्टोरीज हैं तो तुम कमेंट्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हो, अगर हो सका तो हम दी बेस्ट स्टोरी को हम लोग शॉर्ट आउट दे देंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। तो मिलते तुमसे किसी और अच्छे रिएक्शन, तब तक स्टे सेफ, वेयर मास्क, टेक केयर, टाटा। सब्सक्राइब किया मैंने बिल्कुल नहीं जाना, थैंक यू सो मच। बड़ा हुआ मैं तो ये गेमों का खेल के टिकटॉक और चूतियों की गाना हम पे लेते, गेम को घुमाता हूँ जैसे ये बेब्लेड, हल्का समझते अब कहता हूँ चेक में, स्कूल में तालिक तरह बुक थी क्लास में, दिखते ही दिखते हैं गुम हो गए बैचमेट, ओके मिले फ्रॉम द पीपल हु वर फेक, ML11 विद वुमन और अ स्नेक, अकेला काटा था मैंने बर्थडे केक, इमेजिनेशन किया था बेक।